लग गया। हाँ उधर सामने वो था, उसमें तुमने वो बंदे ने मुझे बोला पीछे लो गाड़ी ठुक गई आपकी। हाय राम, मुझे पहले पता होता पीछे थोड़ा ऐसे बीच में आइए ना, बीच में अरे गाड़ी ठुक गई। ठीक है अब जमा कर लेना एक साल के लिए। अरे सुझा, अरे सुझा, हाय कैसे हो आप लोग सब? बढ़िया मैम, आप बताइए। बढ़िया, आ जाओ अंदर, आ जाओ। अरे ये क्लास है यार, क्या कर रहे हो? चलो चल नाम बताओगे मुझे? क्या कर रहे हो तुम दोनों? पीछे से लेना है यार, पीछे को। आपका नाम क्या है? हिमांशी पांडे। आपका? सृष्टि। आपका? पढ़ाई नहीं करते हो? बिग बॉस देखते हो? 18 साल के नीचे नहीं देखना चाहिए। मैम बॉयज को भी खिला दूँ, उनको भी खिला कर लेंगे लोग कट कर लेंगे, उन लोगों को दे दो आप। मम्मी बाइक कर जा रही है। Thank you.
वेरी गुड। श्रीजिता कैसा लग रहा है वैलेंटाइन्स डे को? वह भी क्या आ ही गया है और ये डिसीजन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, क्या फीलिंग है, क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे भी लग रहा है कि मैं बच्ची हो गई हूँ फिर से। और जो इनोसेंस है ना इनकी फेस में, जो इनकी इनोसेंट आईज़ है, और जिस तरीके से वो लोग सब पहले तो डरे हुए थे, फिर धीरे धीरे मेरे साथ घुल मिल रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। इनके साथ हम लोगों ने केक काटा, सबको भी केक मिलेगा, इट्स टू मच फन। बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज जो स्कूल से हुई कुछ शेयर करना चाहेंगे? वही मतलब बिल्कुल बचपन वापस से, जैसे कि मैं जी रही हूँ ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है इन बच्चों के साथ। तो डेफिनेटली ऑल चाइल्डहुड मेमोरीज आर वेरी क्लोज टू हार्ट एंड यू नो वेरी वेरी मेमोरेबल। बट मुझे आज याद आ रहा था कि जब मैं मैथमेटिक्स में गलत यू नो आंसर देती थी तो मुझे कैसे डांट पड़ती थी, क्योंकि मैं अभी इनके साथ गेम्स खेल रही थी और मुझे याद आ रहा था वो। कल वैलेंटाइन है, ये डिसीजन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना कहीं ना कहीं एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करता है, तो ये डिसीजन ऐसे अचानक से ले लिया या ऐसे था कि जाना है? एक्चुअली मुझे कई टाइम से आना था, टाइम स्पेंड करना था, फिर मुझे लगा कि अच्छा वैलेंटाइंस डे वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वैसे तो मेरे हिसाब से वैलेंटाइंस डे रोज़ होता है, क्योंकि इट्स अबाउट स्प्रेडिंग लव और प्यार हमेशा बांटते रहना चाहिए। पर मुझे लगा ये एक अच्छा अवसर है कि थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड होगा, यू नो उनके तरह मैं थोड़ा हंसूंगी, खेलूंगी, मज़ा करूंगी फॉर सम टाइम। सो या ऑनेस्टली मुझे घर पे रहना सबसे ज़्यादा पसंद है, घर पे कुछ कैंडल्स जला के, कुछ माइकल को मैं बोलूँ कि कुछ अच्छा सा मेरे लिए कुछ डिनर बनाए, या मैं माइकल के लिए कुछ अच्छा सा डिनर बनाऊँगी। एंड घर पे स्टेइंग विद, आई हैव टू डॉग्स, अपने बच्चों के साथ घर पे रहना इज़ द बेस्ट फीलिंग। बच्चों की बात करें तो कभी ऐसे बेबी प्लान कब करेंगे? अभी ऑलरेडी दो बच्चे हैं डॉगोस, उनको संभालते संभालते और माइकल को संभालते संभालते मेरे बाल ऑलरेडी सफ़ेद हो रहे हैं, अभी बच्चे नहीं चाहिए, माइकल थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसके बाद। बात करें आपके टीवी इंडस्ट्री के काम के बारे में, आपने जो भी रोल निभाया है लॉन्ग टाइम रन के लिए आपको ऑडियंस ने याद रखा है, अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट से जो आप करने वाले हैं या कुछ ऐसे जॉनर जो आपको सिलेक्टेड ये करना है? ऑनेस्टली टीवी का मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं है, टीवी के तो ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं, बट आई एम रियली लाइक कीन टू डू समथिंग फॉर नेटफ्लिक्स और अमेज़न, क्योंकि वो दो प्लेटफॉर्म्स में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे मैंने अभी तक काम नहीं किया है, बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कुछ कुछ में मैंने किया है। सो या समथिंग फॉर नेटफ्लिक्स और अमेज़न। मैं आपने कुछ टाइम पहले बोला था कि आप इंडियन ट्रेडिशन में शादी करने वाले हैं, तो आपने बोला था फैब या फिर मार्च, तो कब है प्लानिंग? वो प्लानिंग सिर्फ पोस्टपोन ही होते जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना एक बार शादी हो जाती है तो, बट वो ज़रूर हम करेंगे, डेफिनेटली दिस ईयर, एंड ऑफ दिस ईयर वी आर प्लानिंग, क्योंकि
कहीं ना कहीं मेरा भी वो ख्वाहिश है कि उस तरीके से बंगाली तरीके से एक बार हो, तो दिस ईयर डेफिनेटली एंड मे बी। कोई ऐसा रियलिटी शो में आपको जाने की इच्छा हो अदर देन बिग बॉस? बहुत सारे, मुझे रियलिटी शो एक्चुअली बिग बॉस करने के बाद काफ़ी अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि उससे पहले मैंने ज़्यादा रियलिटी कभी किया नहीं था। तो जो भी रियलिटी शोज लाइक, ऑफकोर्स आई लाइक डांसिंग, आई लाइक एडवेंचर्स, तो एनी काइंड ऑफ रियलिटी शो आई वुड डेफिनेटली गिव अ थॉट। थैंक यू सो मच।